दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने रायपुर में सत्याग्रह पदयात्रा का आयोजन किया, जहां टीचर्स ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सत्याग्रह पदयात्रा आयोजित किया, जहां मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग की गई। शिक्षकों का कहना है कि पदोन्नति सभी वर्गों में नहीं होने की वजह से एक ही पद में 20 से 24 साल हो गए हैं, जिससे शिक्षकों के एलबी संवर्ग का मनोबल टूट रहा है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमने इसकी रूपरेखा भी तय कर ली है, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही 25 नवम्बर को पदयात्रा के बाद सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन करेगा। साथ ही बात करें तो यहां शिक्षकों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सभी टीचर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर के अब काम बंद हड़ताल करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। भटगांव के हर एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी मिल सकेगा, जिसका उद्घाटन बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जल प्रदाय योजना के अंतर्गत किया। 2 साल में ये काम पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरजपुर जिले के भटगांव नगर पंचायत के लिए जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। तकरीबन 56 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से इस योजना का काम अगले 2 साल में चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। इसे अमृत मिशन योजना 2.0 का अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से जुड़े डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से भटगांव वासियों की पेयजल की समस्या दूर होगी। महानदी के पानी को साफ करके घरों तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को राष्ट्रीय मानक के अनुसार 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिल सकेगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत महानदी के गोंडा एनीकट में इंटेक वेल बनाकर पेयजल भटगांव पहुंचाया जाएगा। भटगांव में इस वक्त शहर से प्रति व्यक्ति 49 लीटर पानी प्रतिदिन मिल पा रहा है। 750 किलोलीटर क्षमता की 3 पानी टंकियां भी बनने वाली हैं। 64 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाकर कुल 3586 निजी नल कनेक्शन देने की भी योजना है। रायगढ़ के पेलमा में 15वां कोयला सत्याग्रह आयोजित किया गया, जहां केलो नदी किनारे 4000 ग्रामीणों ने कोयला खनन किया। कहा, हमारी जमीन के कोयले पर हमारा अधिकार हो। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीते दिन 15वां कोयला सत्याग्रह आयोजित किया गया, जिसमें लगातार तमनार ब्लॉक के अलावा अन्य तहसील के गाँवों के महिला और पुरुष भी शामिल हुए। सभी अपने हक का कोयला मांगने के लिए केलो नदी के तट किनारे कोयला खनन करने पहुंचे। सुबह 11 बजे से ग्राम पेलमा के कोयला सत्याग्रह को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 40 से अधिक गांव के तकरीबन 4000 महिला और पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए थे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके बाद संविधान की उद्देशिका को पढ़कर शपथ लिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने इस दौरान सूचना के अधिकार, पेशा कानून, वन विधेयक कानून, साथ ही ग्राम सभा को लेकर अपना उद्बोधन किया। सम्मेलन तकरीबन शाम 4:30 बजे तक चला और इसके बाद यहां से सभी लोग कतार में पेलमा गांव के करीब केलो नदी के तट के किनारे पहुंचे और कोयला का खनन किया। इस दौरान राजेश त्रिपाठी, सविता रथ, साथ ही तमाम हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। पहला फावड़ा 80 साल की बुजुर्ग महिला ने चलाया, जहां केलो नदी के तट के पास पहुंचने के बाद पहला फावड़ा तकरीबन जो फावड़ा है वो 80 साल की बुजुर्ग महिला ने चलाया और इसके बाद सभी ग्रामीणों ने फावड़ा चलाकर और गैती से एक एक टुकड़ा कोयला भी निकाला। कोरबा में कन्या छात्रावास से बड़ी खबर, जहां 16 बच्चियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। खाना खाने के बाद इनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही परिजनों को इसकी सूचना जारी करी गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से खबर है, जहां 16 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। मामला पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम कटोरी नगोई कन्या आश्रम का है। यहां रहकर पढ़ने वाली तकरीबन बच्चियों को खाना खाने के बाद उल्टी दस्त और चक्कर आने लगे और इसकी सूचना डायल 108 को दी गई। मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को कटघोरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही सभी छात्राएं पोड़ी उपरोड़ा के जडगा के आसपास की रहने वाली हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 7 से 10 साल के बीच बताई जा रही है।
रायपुर से चेन्नई और पुणे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा शुरुआत हो रही है, जहां हफ्ते भर पहले अहमदाबाद के लिए भी सेवा चालू की गई है और जयपुर के लिए भी अब मांगे बढ़ती जा रही हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से चेन्नई और पुणे के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। ये फ्लाइट अब रोजाना चलने वाली है। इसके पहले इंडिगो इस रूट पर हफ्ते भर में सिर्फ 4 दिन फ्लाइट संचालित करती थी। रोजाना फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। तकरीबन 1 हफ्ते पहले रायपुर से अहमदाबाद के लिए रोजाना सीधी फ्लाइट सेवा शुरुआत की गई थी। इंडिगो एयरलाइंस ने पुणे और चेन्नई के लिए उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया है, साथ ही बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक चेन्नई से 13:35 पर फ्लाइट रायपुर 15:20 पर पहुंचने वाली है, साथ ही रायपुर से 20:25 की फ्लाइट चेन्नई 22:15 पर पहुंचने वाली है। वहीं रायपुर से 15:50 पर फ्लाइट जो है 17:35 को पुणे पहुंचेगी और वहां से 6:18 को निकलकर रायपुर से 19:55 तक यहां पहुंचने वाली है। 40 हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किसान इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मरवाही में हाथियों के झुंड से किसानों की नई फसल को लेकर अब चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। गतिविधियों के कारण अब जान माल के नुकसान का खतरा भी बना हुआ है और इस क्षेत्र में पहले भी हाथियों के कारण भारी नुकसान पहले भी हो चुका है। वहीं कई बच्चे और युवा सड़क पार करते वक्त हाथियों का वीडियो भी बनाने का प्रयास करते हाथी के बेहद करीब पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी भी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। हाथियों के मूवमेंट के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग हाथियों के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका वीडियो बनाने के चक्कर में। गरियाबंद में कॉलेज की मांग को लेकर छात्रों ने गांधीगिरी करी, जहां रघुपति राघव राजा राम के हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने अपना हस्ताक्षर किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अमलीपदर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने कॉलेज की मांग को लेकर गांधीगिरी शुरू की है। बात करें तो अभियान के लीडर अतुल ताम्रकार, साहिल मिर्जा, विशाल मिश्रा ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, इनका हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। उनके इस अभियान को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। इलाके में हर साल 300 से ज्यादा छात्र जो है कॉलेज पढ़ने जाते हैं। स्थानीय स्तर पर सुविधा नहीं मिलने से आवाजाही का खर्च उठा पाने में असमर्थ परिवार के छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अमलीपदर में महाविद्यालय की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं। इलाके में भौगोलिक रूप से विषम परिस्थितियां हैं। नदी से घिरे होने के कारण क्षेत्र में मौजूद 50 गांव बारिश में अक्सर टापू में घिर जाते हैं। भाजपा कांग्रेस सरकार ने अपने अपने कार्यकाल में केवल आश्वासन ही दिया, लेकिन कॉलेज दूसरी जगह पर खोल दिया गया। मायूस जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध लिया तो अब छात्रों ने मोर्चा खोला है, जहां 16 अगस्त को छात्रों ने एक विशाल रैली भी शासन प्रशासन के नाम तहसीलदार योगेश सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपते हुए की थी, जहां सुनवाई नहीं होता देख अब छात्रों ने गांधीगिरी करना शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर सरकार बना रही है ये बातें कही। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, सब दिल्ली के इशारे से होता है, हमारी गांधी वाली सोच को शायद सरकार कमजोर ना समझे। वही दीपक बैज ने कहा कि 9 महीने में ये सरकार दूसरा मणिपुर बनाने जा रही है। पायलट ने चेतावनी दी कि अगर सरकार गरीबों की आवाज नहीं सुनेगी तो कांग्रेस से एक और संग्राम छिड़ेगा, हम सरकार की नींद को हराम कर देंगे। वहीं मन से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कवर्धा में युवक को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार डाला गया और अब तक इस पर FIR भी दर्ज नहीं हुई है। स्कूल में बच्चियां, कॉलेज में छात्रा और बस स्टैंड में बहनें सुरक्षित नहीं है। भिलाई में गोलियां चल रही है, चाकूबाजी हो रही है। उसके बाद रायपुर में कोई ऐसा दिन नहीं जहां चोरी कहती और मर्डर ना हो रहा हो। पायलट ने आगे कहा कि कांग्रेस में कोई नेता बड़ा छोटा नहीं है, कोई पद या पोस्ट की बात नहीं है, सभी कार्यकर्ता समान हैं। अगर लाठी खाने की नौबत आई तो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एक साथ लाठी खाएंगे। रायपुर में स्कूल स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई, जहां पूछा कि बच्चों को सड़कों पर उतरने की अनुमति कैसे मिल जा रही है। दरअसल चीफ सेक्रेटरी ने भी इस पर अपने सवाल जो है जाहिर किए हैं।
से आई है, जहां रायपुर में प्रयास स्कूल के छात्रों के सड़क पर प्रदर्शन और चक्का जाम करने पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की और इसे जनहित याचिका मानकर इस पर सुनवाई शुरू की है। साथ ही अफसरों से पूछा गया कि बच्चों को सड़कों पर उतरने की अनुमति कैसे दे दी जाती है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की डिविजन बेंच ने कहा कि भविष्य में हाईकोर्ट में ऐसा मामला न आए, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इसकी जाँच कराने के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है। केस की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होने जा रही है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि स्कूल प्रबंधन इस पर क्या कर रहा है, बच्चे सड़क पर कैसे आ रहे हैं। इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि मामले को संबंधित अधिकारी ने जानकारी ली है, छात्रों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। शासक के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। छत्तीसगढ़ में बदहाल सड़क से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां शहर के मुख्य चौक चौराहे पर विधि विधान से सिस्टम का श्राद्ध आयोजित किया गया। दरअसल प्रदेश में लगातार खराब बदहाल सड़कों की व्यवस्था को लेकर के प्रदेश की सरकार बदली तो अभी तक इनके व्यवस्थाओं के हालात नहीं बदले, जिसको लेकर अब अंबिकापुर नगर निगम के साथ ही आसपास की सड़कें बदहाल है, जिसको या यूं कहें कि गड्ढों में सड़क है, तो इससे सड़कों से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार प्रदर्शन के बाद भी सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी है। इन सड़कों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव, मौजूदा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक सहित कलेक्टर ने भी जायजा लिया, लेकिन सड़कों की स्थिति की जस की तस गंभीरताएं बनी हुई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पितृपक्ष श्राद्ध का अंतिम दिन रहा, जहां इस दिन शहर के जागरूक नागरिकों ने बदहाल हो चुके सिस्टम की आंख खोलने के लिए एक और चौक जो है यहां मुख्य चौक चौराहे यानी घड़ी चौक पर पूरे विधि विधान के साथ सिस्टम का ही श्राद्ध आयोजित कर डाला। प्रदर्शन में शामिल राकेश तिवारी ने बताया कि पूरे शहर में सड़कों की बेहद स्थितियां खराब हो चुकी हैं। यहां एक आम नागरिक की मूलभूत जरूरत होती है, लेकिन सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही है। हमसे टैक्स तो बरोबर लिया जाता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस चालान काटने के लिए तैयार रहती है, लेकिन सड़कें तो है ही नहीं। सड़कों का निर्माण बारिश से पहले हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से ये सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर जीपीएस कैमरा लगा हुआ गिद्ध पाया गया, जहां थक करके ये बैठा हुआ था। दरअसल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर बीती सुबह ग्रामीणों ने एक गिद्ध देखा, जहां गिद्ध के पैरों पर जीपीएस कैमरा और जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। ये काफी थका हुआ था, ग्रामीणों ने इसे चिकन खिलाया और फिर वह जंगल में उड़ गया। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। गिद्ध के पैरों पर लगा कैमरा और जीपीएस लगा होना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। मामला दोनों राज्यों की सरहद पर स्थित भद्रादी कोट्टागुडम जिले के चारला मंडल का है। दरअसल ये चारला एक नायका कॉलोनी के एकलव्य स्कूल के पास गिद्ध बैठा हुआ था। वहीं पास ही के घर में रहने वाले कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी। गिद्ध इतना थका हुआ था कि वह चल भी नहीं पा रहा था, और इसके बाद ग्रामीणों ने इसे खाने के लिए कुछ चिकन भी दिए। प्रदेश में 4 दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहने वाली है, इसकी पूरी लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। दरअसल बात करें तो यहां राज्य सरकार के आदेशानुसार अक्टूबर महीने में 4 प्रमुख अवसरों पर शराब की दुकानों को बंद रहने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं, और इसके पहले सबसे पहले 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, साथ ही शराब की बिक्री पर रोक रखेगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को दशहरा, 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर ये शराब की दुकानों का संचालन नहीं होगा। वहीं बता दें नवंबर में 2 दिन शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेशित किया गया है। साथ ही 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर, और ये दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर भी शराब की बिक्री पर रोक रहने वाली है। प्रदेश भर में सेल्समैन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से राशन वितरण ठप पड़ चुका है। गरीब परिवार इसकी वजह से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकान संचालकों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके चलते बस्तर समेत पूरे प्रदेश में सभी राशन दुकानें बंद है। राशन वितरण पूरी तरीके से ठप होने से परिवारों को इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से राशन वितरण प्रभावित हुआ
हुआ है, वहीं दुकानों के बंद होने से गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। यही स्थिति जारी रही तो कई परिवारों को भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। इधर दुकानदारों का कहना है कि वे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रमुख मांग है कि मासिक मानदेय में इनकी वृद्धि कर दी जाए। सरकार से बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन की गुणवत्ता में सुधार, राशन आवंटन में बढ़ती अनियमितताओं का समाधान, वित्तीय सहायता की समय पर उपलब्धता और मार्जिन राशि में वृद्धि समेत तमाम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज बीजापुर में किसान नेता राकेश टिकैत अपनी बातों को रखेंगे। दरअसल राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां टिकैत रायपुर एयरपोर्ट से सीधे कोंडा गांव के लिए रवाना हुए, जहां गुरुवार को बीजापुर में रहने वाले किसान सम्मेलन में ये शिरकत करेंगे। और इस दौरान राकेश टिकैत हसदेव जंगल में लाखों पेड़ों की कटाई को लेकर भी सरकार पर हमला बोलते नजर आएंगे। टिकैत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बस्तर क्यों नहीं जा सकता, लोगों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। बस्तर में किसानों को गलत तरीके से निशाना बनाए जाने की खबर मिली है और इसके चलते किसानों से मुलाकात करने जा रहा है।